जरूर मांगे, मगर कलाम को जानना जरूरी है. Unless you know the word of God, it becomes very difficult even to understand the plan of God. कभी कभार परमेश्वर की बड़ी कल्पना जानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. और हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने बड़ी कल्पना क्या रखा है. The faith answers, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास हाँ कहता है. बेटा मेरा जो विश्वास हाँ कहता है. The faith that says yes, yes to faith. क्योंकि कभी कभार जो हमारे विश्वास है, कभी कभार हमारे जो विश्वास है, वो विश्वास खुदा चाहता है कि विश्वास मजबूती के साथ हमारी जिंदगी में आ जाए. और हम मजबूती के साथ कभी हाँ कहें. रजामंदी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जब तक हम हाँ नहीं करते, चाहे दोस्ती में या तो किसी दुकानदारी में सौदा करने के समय में, अच्छा ठीक है हाँ अब मेरे सहमति है. शादी विवाह में भी आई डू यस कबूल है, कबूलनामा जिसे कहते हैं, हाँ ये भी आवश्यकता हो जाता है. कभी कभार बहुत बार यही हुआ है, अगर आप कलाम को देखते हैं और अगर कलाम को समझने की कोशिश करते हैं, फेथ क्या था, विश्वास काफी जरूरी चीज है. फेथ फेथ में भी डिफाइंड है सेइंग यस, विश्वास यही है. अगर इसे आपके वर्णन करें तो आपके सहमति इज यस. समटाइम फेथ हैज टू बी डिफाइंड. आई हैव फेथ, दैट मींस डू आई हैव देन यस आई हैव इट. और ये विश्वास आपको यीशु मसीह में है. बहुत सारे लोग हैं बाइबल में किरदार है जिनके नाम उल्लेख हुआ है और जिन्होंने प्रभु से हाँ कहा और उसकी जिंदगी बदल गई सिर्फ हाँ कहने से. और ये हाँ रजामंदी या तो परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाना, यस टू द विल ऑफ गॉड, कितने ज्यादा जरूरी होते हैं. अगर आप मती लिखी तो सुसमाचार 9:28 पढ़े. When you say yes, what does it mean? It says, when he had gone indoor, the blind man came to him and he asked them, do you believe that I am able to do this? मसीह ने उससे एक अंधा लोग मसीह के पास आए और उन्होंने जब मसीह के पास आए तो मसीह ने उसे कहा क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं कर सकता हूं कि मैं तुम्हें रोशनी दे सकता हूं. और उनकी उत्तर यह था, यस लॉर्ड दे रिप्लाइड, उन्होंने हाँ कहा. और उनके हाँ कहने से मसीह के संस्पर्श में आ गए. यस लॉर्ड ही रिप्लाइड एंड देन ही टच्ड देयर आईज एंड सेड अकॉर्डिंग टू योर फेथ लेट इट बी डन टू यू. उसने उसे छुआ और कहा तेरे विश्वास की अनुसार वही हो तूने जो कहा. यस बहुत समय होता है कि हम यस कहने में असमर्थ हो जाते हैं. कभी कभार यस तो कहते हैं मुंह से, दिल गवारा नहीं देते. द हार्ट डजंट अकंपनी व्हाट द माउथ सेज. तो जरूरी होता है कि अंधों के लिए रोशनी, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीज समझ नहीं आती. जिंदगी का पहलू जिंदगी को समझना, परिस्थिति को जानना, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. और जब तक हम हाँ नहीं कहते तो हमारी उस तरह की आंखें नहीं खोलते जो समस्या को दिखाई देना चाहिए. जबकि आज के रोज की समस्या क्यों हो रहा है सवाल है, मगर जानना चाहते हैं होने का कारण वजह क्या है, या मैं कितना इसमें शामिल हूं, या मेरी कितनी गलत फहमी है, या तो मेरे कितने अंधविश्वास है जिसमें मैं डूब रहा हूं, या मेरे विश्वास जो दूसरे पे है मगर यीशु मसीह में नहीं है, या तो कलाम में नहीं है. अंधों ने जब हाँ कहा प्रभु से, प्रभु ने उसे छूने के साथ तुरंत इजाजत मिल गई. जैसे उन्होंने न्योता, जैसे इनके हाँ एक न्योता बन गया, इनके हाँ स्वीकार कर लिया. और तभी मसीह ने उसे स्पर्श किया और कहता है अकॉर्डिंग टू योर फेथ, तुम्हारे विश्वास की. क्योंकि जब आपके विश्वास के आधार पर वो काम करता है, कहता है कफर्नियम शहर में उसने एक भी काम नहीं किया क्योंकि लोगों ने विश्वास नहीं किया, छूने नहीं किया, आने देने नहीं, मैं नहीं चाहता. उन्होंने अस्वीकार, ये नहीं कि मसीह, एक ने कहा मसीह, कुछ प्रचारक ने कहा था, अब लेट मी टेल यू, कुछ प्रचारक ने कहा था जो पॉपुलर प्रीचर ने और गलत कहा था. उसने कहा कि कफर्नहूम शहर में मसीह ने कोई चमत्कार नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं नहीं किया, क्योंकि वो रजामंदी चाहते हैं. जब कोई लड़का लड़की का हाथ चाहती है, अगर लड़की नहीं चाहती तो हाथ झटका देती है, नहीं चाहती है.
और अगर चाहता है तो लड़का प्यार इजहार करता, हाथ थामता और लेके चलता। कफरनम शहर के लोग नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने उन पर भरोसा नहीं किया। तो क्या अगर कोई भरोसा नहीं करता, क्या मसीह फिर भी आश्चर्य काम नहीं कर सकता? कर सकता है। शिशु लोग का तो विश्वास ही नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने रोक दिया। चार दिन की एक मरे हुए लाजर को उसके बहन का भी विश्वास नहीं था, वो क्या मुर्दा हो चुका है। मसीह किसी के विश्वास पे आधार नहीं है, वो परिस्थिति देख के काम करता है, मगर जब लोग उसे नहीं चाहते वो बात अलग है। आपको और हमें सिर्फ चाहना जरूरी है, क्योंकि खुदा की मर्जी हम सबके ऊपर से जा सकता है, मगर वो आपके मर्जी के बगैर नहीं जाता, क्योंकि आपके मर्जी का उल्लंघन करना आपको बेइज्जत करना बराबर है। जब हम किसी के मर्जी का उल्लंघन करते हैं तो बेइज्जत करते हैं। जब कोई लड़की ना कहता है और फिर भी कोई जबरदस्ती कहता है तो उल्लंघन करना किसी को बेइज्जत करना है। प्यार भी जब स्वीकार करते हैं तभी किया जा सकता है, तो वो प्यार होता है। और अगर स्वीकार ना करे कोई लड़की और जबरदस्ती करे, इट इज अ रेप, इट इज नोन एज रेप, अर्थात मेरे रजामंदी का ना होते हुए कोई जोर नहीं। खुदा ने कभी ऐसा नहीं किया, इसीलिए जिन्होंने नहीं चाहा उसने नहीं किया। अगर ये अंधे लोग कहते थे कि नहीं मैंने मुझे मालूम नहीं, तो मैं नहीं करते, मगर उसने कहा मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं, यस लॉर्ड, हाँ, क्या आपने कभी हाँ कहा था कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि आज प्रभु तुम मुझे छू लेगा, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि आज ही मेरी समस्या का समाधान होगा। हाँ, तभी खुदा की आशीष आपकी जिंदगी में जा सकता है, तभी खुदा हाथ बढ़ाएगा, नहीं तो वो क्यों हाथ बढ़ाए। उसने हमारी इच्छा के ऊपर भी कभी नहीं दी, हमने जब समर्पण की तभी उसने हमें अपनाया। उसे कहते हैं बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, आने के लिए कहा, जबरदस्ती नहीं गए। और आज कुछ चीज जो हमें जानना जरूरी है, जैसे मत्ती लिखित सुसमाचार 5:27, इसे पकड़िए, होल्ड ऑन, 5:27 इट्स अ फिलोसायरेनिक वुमन और एन एडल्टरर, इट सेज यू हैव हर्ड दैट इट इज सेड यू शैल नॉट कमिट इट, इट इज 15:27 अब थोड़ा 26 में ले गया, नीचे नीचे कम और थोड़ा नीचे लिखा है। मैं आई वांट टू द वुमन केम टू हर एंड लेड बिफोर हिम एंड सेड लॉर्ड हेल्प मी शी सेड एंड ही रिप्लाइड इट इज नॉट राइट टू गिव द चिल्ड्रंस ब्रेड And toss it to the dogs. एक औरत आई थी जिसे कहते हैं फिलोसायरेनिक वुमन, she was from Syria, और प्रभु की कदमों में आके गिर गई उसके बच्चे के लिए, और उन्होंने अर्जी की। प्रभु ने कहा यह उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं इज़राइल घराने के लिए आया, आप भी जो अपने खाना लेके आते पहले घर वाले को देते, फिर जो बचते बाहर वाले को देते। तो वही बात है, मसीह ने कहा नहीं, ये सही नहीं होगा कि औलादों को रोटी को कुत्ते को दिया जाए। एंड ही रिप्लाइड लेके आए एंड शी सेड यस लॉर्ड, जब कोई खुदा ने उन्हें कुत्ता का दर्जा दिया उसने उसे स्वीकार कर लिया, हाँ एकदम मैं वही हूँ। कुत्ता का दर्जा क्यों दिया था? अब कहेंगे खुदा ने उसे कुत्ता क्यों कहा? खुदा की आदत आपको मालूम है, पत्ता चाट रहा किसी का दिया, कोई भी टुकड़ा दे वो पत्ता चाट रहा। फिलोसायरेनिक भौतिक जिंदगी जीते थे और बहुत देवी देवताओं पर विश्वास करते थे, तो ये अपने जरूरत के लिए कहीं भी चले जाएंगे। एक बात होती है कि औरत होती है वो अपने पति छोड़ के किसी और के पास हाथ नहीं बढ़ाएगी, न किसी से कभी मांगेगी। जो औलाद होते हैं वो अपने माँ बाप से मांगते हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं किस बात में बात कर रहा हूं। तो जरूरी होता कि एक ही पति होता है, इज़राइल ने एक ही परमेश्वर को माना था, इसीलिए इज़राइल उनके घराना बन चुका था, उनके परिवार, तो वो अपने परिवार के लिए दुआ करते थे। और आज भी ये औरत एक ऐसे
जगह से आ रही थी फ्रॉम सीरिया, जहाँ बहुत सारे देवी देवताओं का जिनकी ये पूजा करते थे। प्रभु ने उसे कुत्ता का, कुत्ता अर्थात कुत्ता के आचरण ले लीजिएगा। इसके दो आचरण होते, एक है गुरु भक्ति दुबिला में और दूसरा कि भैया पत्ता चाटता है किसी का। इसको जब तक हाईली ट्रेन ना हो, हाईली ट्रेन डॉग ना हो, तब वो मुंह नहीं लगाएगा, कोई भी देने से नहीं खाएगा। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया, यस लॉर्ड, अर्थात खुदा ने जो कहा उसने कहा यस, उसकी रजामंदी। एंड शी सेड यस लॉर्ड टू हिज डेजिग्नेशन। खुदा ने उसे जो दर्जा दिया उसने बोला हाँ एकदम सही, स्वीकार कर लेगा। अर्थात कलाम जो कहता है वह उसको आपको स्वीकार करना है। कलाम यदि कहता है मन परिवर्तन करना है तो आपको स्वीकार करना है मन परिवर्तन करना है। कलाम यदि कहता है हे थोड़े विश्वासी हो तो हाँ हम थोड़े विश्वासी हैं, स्वीकार कर लेना अपने परिस्थिति को। मसीह के साथ सलीब में दो इंसान थे, एक ने अपने परिस्थिति को स्वीकार नहीं किया और जिसने कहा खुद को बचा और हमें भी बचा। अर्थात वो चोर था, डाकू था, जिसके कारण उसे सलीब में चढ़ाया गया, मगर वो ये नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था तू बच जा मुझे भी बचा ले। अर्थात परिस्थिति का परिवर्तन चाहता था, खुद का नहीं। मगर एक ने अपने आप को कोसा और कहा हमने जो किया इसके उचित सजा यही है, मगर तू जब अपने राज में आता मुझे स्वीकार याद रहा। मसीह ने उसी की दुआ सुना क्योंकि उसने परिस्थिति को मान लिया। इसने परिस्थिति को माना, आपने परिस्थिति को माना? सवाल यही है क्या आप झूठे हैं, मानते हैं, झूठ बोलते हैं, आप अपने फायदा ज्यादा देखते हैं, आत्मा अहंकारी है, स्वार्थी है, बाती है। यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्वीकार से यही आ जाता है कि हम स्वीकार कर लेते खुदा के दरबार में हुजूरी में कि हाँ हम गुनहगार है और हम सब गुनाह किया है। एंड यस लॉर्ड शी सेड इवन दो द डॉग्स ईट, और उन्होंने कहा जो जो ऊपर से जो टुकड़े गिरते हैं वो कुत्ते खाते हैं। एंड देन जीसस सेड टू हर वुमन यू हैव ग्रेट फेथ, प्रभु ने कहा औरत तेरे तो बहुत विश्वास है, योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, तेरी इच्छा पूरी हो गई, जा तेरी इच्छा पूरी हो गई, तेरे विश्वास ना हो। तू एक गैर मजहब की द्वारे द्वारे घूमने वाली औरत, मगर तेरे विश्वास ना हो, निर्भर भी करता है मेरे विश्वास कितना है। आज कहीं ना कहीं यूहन्ना की 11:27 आप जानते हैं कि क्या क्या जरूरी है आपको जानना और कहां आपका रजामंदी जरूरी है। टू से यस, यस लॉर्ड शी रिप्लाइड आई बिलीव दैट यू आर द मेसिया। प्रभु कहते क्या तू विश्वास कर, अगर थोड़ा नीचे आ जाए 26 में आ जाए यस, और थोड़ा नीचे 25 यस। एंड जीसस सेड टू हर आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, उसने कहा मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। ये लाजरस को उठाने के वक्त उसने कहा द वन हू बिलीव्स इन मी विल लिव इवन दो ही डाइज, और कहता है जो मुझ में ईमान रखता है वो मरने से भी जीवित रहता है। और कलाम कहता है whosoever believes in me will never die, do you believe? और कहता है जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, क्या तुम ये विश्वास करता हो? और उसने कहा हाँ प्रभु, yes Lord, this was the answer of Martha. मार्था ने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ, और मार्था के हाँ से उसके अपने मरे हुए भाई वापस मिले। And she said, yes, Lord, I believe that you are the Messiah, the Son of the living God, who was to come to the world. उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ तू मसीहा, तू ही आने वाला था इंसान के उद्धार के लिए। There was one God who came to save the mankind. वो एक ही खुदा था जो आया था इंसान को गुनाह से बचाने के लिए। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपका मुक्ति दाता है? क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपकी जीवन देने के लिए आया था? क्या यीशु मसीह अपने ऊपर में आपके गुनाह को अपने कंधों में उठाया और अपने जीवन दिया? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह द्वारा हमारे पाप की क्षमा और पुनरुत्थान जीवन की है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र है? हाँ कहिए यस लॉर्ड, इफ यू टाइप इट इट विल बी मच बेटर, क्योंकि आप कलाम सुन रहे हैं। टाइप इट यस लॉर्ड, लिखिए हाँ प्रभु,
क्या आपके विश्वास, क्योंकि आपके विश्वास के साथ आज को आपके बहुत सारे खोए चीज वापस आ सकते हैं। जिस तरह मार्था का खोए हुए भाई, चार दिन के मरे हुए भाई वापस आ गए, शायद आपके खोए हुए सारे इज्जत, खोए हुए चीज जो सामान है, सब कुछ वापस आ सकते हैं सिर्फ आपके रजामंदी से। क्यों आपको सिर्फ यही कहना है, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आपको ओनली यू हैव टू से टाइप इट, यस लॉर्ड। आपको हाँ कहना है कि आप विश्वास करते हैं कि आपके पाप की क्षमा, विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र, आपको विश्वास करना है। एंड यू गॉट टू टाइप इट यस, और आपको हाँ कहने से आपके जिंदगी में उसी तरह सब कुछ लौट आएगा जिस चीज की आवश्यकता है, जिस चीज को लेके आप दुखी है, जिस चीज को लेके आप परेशान है, आपको सिर्फ ये कहना हाँ प्रभु, और प्रभु आपको लौटा देगा, सब कुछ लौटा देगा, आपको हर एक चीज लौटा देगा जिसको लेके आप परेशान हैं। आपके परेशानी की वजह खुदा हटा देगा। सिर्फ आपको कहना मैं विश्वास करता हूं।